ममता के गढ़ में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। हिंसा के हालात के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता ममता की पुलिस से टकरा रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं। उत्तर 24 परगना में 2 दिन पहले जो हिंसा हुई, आज भी उसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और 1 कार्यकर्ता लापता हो गया था, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अभी 2 दिन पहले ही इसी इलाके में एक टीएमसी कार्यकर्ता भी मारा गया था और अब उसी इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वो ममता दीदी की पुलिस से टकराने को तैयार है। गुस्से से तमतमाए बीजेपी कार्यकर्ता धरना नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर बंगाल में कहां है कानून व्यवस्था, कहां है ममता दीदी की पुलिस? हर दिन लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन मौन है। शनिवार को उत्तरी 24 परगना के संदेश खली में कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बीजेपी उग्र हो गई है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आज काला दिवस मनाया। बशीरहाट में 12 घंटे बंद रखा गया। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। संदेश खली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या झंडा हटाए जाने के विवाद में हुई थी। उसमें से एक बीजेपी कार्यकर्ता प्रदीप मंडल भी था। अब उसके घर में मातम पसरा है। परिजनों की जुबां पर ममता की पुलिस के लिए सवाल हैं। 48 घंटे बीत गए हैं। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में 3 लाशें बिछा दी गई है, लेकिन इस वक्त संदेश खाली में सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह का माहौल, जिस तरह का झड़प तृणमूल और बीजेपी के बीच में 2 दिन पहले हुआ था, उसका जो साइन है वो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग इस वक्त प्रदीप मंडल, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके घर में आए थे और उनके परिवार का ये कहना है कि जब ये आक्रमण हो रहा था तब पुलिस खड़ा होके वहां पे देख रहा था, लेकिन कोई हेल्प, कोई इंटरवेंशन पुलिस की ओर से नहीं आया है। और ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है कि पुलिस का रोल पश्चिम बंगाल में क्या है। चुनाव के समय से ही बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन तमाम आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सफाई देने सामने आई। आते ही कह दिया कि बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। जंगल बोल के अशांत करते हैं, बांग्ला एक पॉइंट का फिफ्टी में दे, बांग्ला के गुजरात बनाते हैं, इसी तरह का गेम प्लान और द कॉन्स्पिरेसी। अब जरा इन तस्वीरों को देख ले बंगाल सरकार। बीरभूम की सड़कों पर निकले नकाबपोश लाठीधारी गुंडों पर नजर दौड़ा लीजिए। ये सत्ताधारी टीएमसी की जय हिंद वाहिनी है, जो अब ऐलान कर रही है कि अगर पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो इसके कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। एक दूसरे से बदला लेने की खुली चेतावनी के बीच पुख्ता कानून व्यवस्था की मिसाल दे रही हैं ये तस्वीरें। कोई कैसे कहे कि बंगाल में सब कुछ ठीक है। बशीरहाट से मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। बीजेपी समर्थकों ने ममता के पुतले फूके, नारेबाजी भी की। दो गुंडा, एक तो मोदी गुंडा और एक तो अमित शाह गुंडा, दो गुंडा। विद्यासागर ने गाला हाथ दिले, विद्यासागर ने मूर्ति भांगले, आमी गुंडा शुद्ध ना, गुंडा सोंडा पंडा सब बोलबो। लोकसभा चुनाव में दुश्मन नंबर 1 के लिए ममता ने जो बोल बोले वो सियासी इंतकाम की शुरुआत थी। बंगाल ने अपना जनादेश तो सुना दिया था, लेकिन इस सियासी अदावत की ही देन है कि नेता बयानबाजी में मशगूल हैं और कार्यकर्ता जान गंवा रहे हैं। अब ममता के खिलाफ बंगाल में गुस्सा फूटा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। उत्तरी 24 परगना और राज्य के दूसरे हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। दमदमे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं तो उनका गुस्सा उबाल पर था। नाराज समर्थक सड़कों पर धरना देने बैठ गए, आगजनी शुरू कर दी।
हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की गुहार मनुहार सब बेकार हो गई। वहीं बांकुरा में भी बीजेपी ने ब्लैक डे मनाया, हत्याकांड के विरोध में हाईवे जाम कर दिया। फिर तो हालात ऐसे हो गए कि हाईवे पर रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां जहां तहां अटकी पड़ी रहीं। कई परेशान बेहाल लोग इस संकट से जूझते नजर आए। पुरुलिया में भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संदेश खाली में हुई पार्टी समर्थकों की हत्या का गुस्सा फूटा तो समर्थकों ने मुख्यमंत्री और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का पुतला दहन किया। वहीं समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। आसनसोल में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में टकराव की नौबत आ गई। सड़क पर धरना दे रहे कार्यकर्ताओं को हटाने पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तीखी नोक झोंक हुई, लेकिन कार्यकर्ता जिद पर अड़े रहे। वहां धरना देते समय कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। उधर हावड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरों को जूतों से पीटते नजर आए। संदेश खाली कांड के विरोध में रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास जेसो रोड को जाम कर दिया। जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और ममता बनर्जी की तस्वीर पर जूते बरसाने लगे। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।